पब्लिक टीवी आपकी आवाज। बीते 26 मार्च को बकाया गृहकर और व्यवसायिक कर की वसूली में अपने समधि का मकान सील करने पर बौखलाए सपा नेता यूसुफ मलिक ने अपर नगर आयुक्त अनिल कुमार सिंह को जान माल की धमकी दी और कार्यालय और घर में घुसकर सबक सिखाने की चेतावनी दी थी। इससे नाराज नगर निगम कर्मचारियों के संयुक्त मोर्चे ने कार्य बहिष्कार कर हड़ताल और धरना प्रदर्शन किया। निगम कार्यालय पर धरना देकर कर्मचारी नेताओं मोहम्मद सुभान और सफाई कर्मचारी संघ के संरक्षक पूर्णिलाल वाल्मीकि ने कहा कि जब तक अपर नगर आयुक्त और निगम कर्मचारियों से अभद्रता करने वाले सपा नेता यूसुफ मलिक की गिरफ्तारी नहीं हो जाती, हमारा प्रदर्शन जारी रहेगा। नगर निगम कर्मचारी संघ के अध्यक्ष मोहम्मद सुभान ने कहा कि यूसुफ मलिक पहले नगर निगम में निर्माण विभाग में ठेकेदारी करता था। उसके द्वारा कार्य में अनियमितता करने और गारंटी मनी में हेराफेरी करने के चलते ब्लैक लिस्टेड किया जा चुका है। संयुक्त मोर्चा के पदाधिकारियों ने नगर आयुक्त को ज्ञापन देकर सपा नेता की गिरफ्तारी और कड़ी कार्रवाई कराने की मांग की है। साथ ही सफाई कर्मचारियों ने अपनी निजी मांगों को लेकर भी प्रदर्शन किया और साथ ही कहा कि जो नगर निगम के द्वारा वेतन वृद्धि का ऐलान किया गया था उस पर उसे जल्द से जल्द लागू किया जाए। यूसुफ मलिक जी ने जो हमारे अपर नगर आयुक्त महोदय से बदतमीजी करी है, जान से मारने की धमकी दी है और उससे कर्मचारी आघात हैं, असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, तो हमारी प्रमुख मांग यह है कि जल्द से जल्द उनकी गिरफ्तारी हो और अगर वो शहर छोड़ के भाग गए हैं तो 82-83 में कुर्की की कार्रवाई हो, ये हमारी प्रमुख मांग है। इसके अतिरिक्त सफाई कर्मचारी बंधुओं का जो प्रकरण है उसमें भी नगर आयुक्त जी से वार्ता करनी है, लॉइन कंपनी को लेकर और 15,000 रुपये के वेतन को लेकर। तो इसमें भी प्रमुख हमारे जो मुखिया हैं नगर आयुक्त महोदय उनसे वार्ता करेंगे। जो लाइन कंपनी आई है उसको समाप्त किया जाए वरना हसर बुरा होगा। इस मुरादाबाद में जो हसर नहीं हुआ है वो नगर निगम प्रशासन वो हसर कराना चाहता है। दूसरी मांग जो 27 दिसंबर को जो हाउस के अंदर तय हुआ था कि प्रत्येक कर्मचारी को 15,000 रुपये आउटसोर्सिंग को दिए जाएंगे, उनका वेतन बढ़ाया जाएगा, आज मार्च भी खत्म होने पर आ रही है, अभी तक उनको वेतन नहीं बढ़ाया गया है। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।